अस्सलाम वालेकुम, मैं क्लास फिफ्थ की उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। इससे पहले आप उर्दू के 2 लेक्चर्स सुन चुके हैं। उम्मीद है कि इसका काम तमाम बच्चों ने मुकम्मल कर लिया होगा। अब हम अपने तीसरे लेक्चर की तरफ आते हैं। तीसरे लेक्चर का पहला काम मैं आपको बताऊँगी, मरकज़ी ख्याल। सबक हम्द का मरकज़ी ख्याल। मरकज़ी ख्याल से पहले आप हवाला देंगे। हवाला, ये हम हमारी उर्दू की दरसी किताब से ली गई है। अब मरकज़ी ख्याल, इस हम्द में अल्लाह की वहदानियत का ज़िक्र करते हुए शायर कह रहे हैं कि अल्लाह हर चीज़ का मालिक व खालिक है और वो ही सबके काम बनाता है और सबकी नज़रों से पोशीदा है। ये काम आपको अपनी कॉपी नंबर 1 में करना है, यानी कि होमवर्क कॉपी में। किस तरीके से, ये मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तारीख, सबक का नाम हम्द, एजब्रू, हवाला, मरकज़ी ख्याल। इसके बाद मैं आपको इसी सबक का ख़ुलासा बताऊंगी। सबक नंबर 1, हम्द। अब इसका ख़ुलासा बताऊंगी मैं। ख़ुलासा, हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए फरमाया गया है कि पूरी दुनिया का मालिक अल्लाह ताला है। सूरज, चांद, तारे, ये सब कैसे वजूद में आए, ये सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ही सबको रास्ता दिखाता है और सबके काम बनाता है और अल्लाह सबकी नज़रों से पोशीदा है। ये काम भी आपको अपनी कॉपी नंबर 1 में करना है। किस तरीके से करना है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। कॉपी में सबसे पहले तारीख, सबक का नाम हम, एचडब्ल्यू, खुलासे की हेडिंग और जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया था वो बहुत अच्छी राइटिंग में लिखना है। इसके बाद मैं सबक हम्द का शेर और उसकी तशरीह करवाऊंगी। सबक नंबर 1, हम्द। शेर, सबको राह दिखाए अल्लाह, सबके काम बनाए अल्लाह। हवाला, ये शेर हमारी दरसी किताब की हम्द से लिया गया है। तशरीह, इस शेर में शायर अल्लाह ताला की खूबियाँ बयान करते हुए फरमा रहे हैं कि तमाम इंसानों को रास्ता अल्लाह ताला ही दिखाता है और सबके काम अल्लाह ही बनाता है, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही से मदद मांगनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ही तमाम बिगड़े हुए कामों को संवारने वाला है और मुश्किलात का हल निकालने वाला है। ये काम भी आपको अपनी कॉपी नंबर 1 में करना है। सबसे पहले तारीख, सबक का नाम हम्द, एचडब्ल्यू, पहले शेर लिखेंगे, हवाला, फिर इसकी तशरीह। इसके बाद मैं आपको काम बताऊंगी अल्फाज जुमले का। अल्फाज जुमले नंबर 1, अल्लाह, हम सबका खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। नंबर 2, भेद, हमारे तमाम भेद अल्लाह को मालूम हैं। नंबर 3, संसार, पूरे संसार का मालिक अल्लाह ताला है। नंबर 4, पर्दा, हमें सबका पर्दा रखना चाहिए। नंबर 5, हैवान, इंसान, हैवान, सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। ये काम भी आपको अपनी कॉपी नंबर 1 में करना है। किस तरीके से करना है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले कॉपी में तारीख, सबक का नाम हम, एचडब्ल्यू, एक कॉलम अल्फाज का है, जुमले। अभी मैंने आपको इस सबक के 5 अल्फाज और उसके जुमले पढ़कर सुनाए हैं। राइटिंग बहुत अच्छी लिखनी है। अब मैं आपको चौथा काम बताऊंगी। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 8 देखें। तो देखिए, इसमें आपको तारीफ दी गई है, माजी, गुजरे हुए ज़माने को कहते हैं। आपको एक्सरसाइज ये लिखनी है, पर पहले ये कब कम्प्लीट करेंगे, जब आप पहले इसे समझेंगे, यानी माजी गुजरे हुए ज़माने को कहते हैं। माजी के जुमलों के आखिर में था, थे, थी, थी लगता है। हाल मौजूदा ज़माने को कहते हैं। इसके जुमलों के आखिर में हैं, है, हूँ लगता है, जबकि मुस्तकबिल आने वाले ज़माने को कहते हैं। मुस्तकबिल के जुमलों के आखिर में गा, गे, गी लगाते हैं।
बिठाइए, आपको काम लिखना है। देखें मुंदरजा जेल जुमलों को इस तरह मुकम्मल करें कि उनसे तीनों जमाने वाजह हो जाए, मतलब माजी, हाल, मुस्तकबिल। अब किस तरह पता चलेगा, देखें आपको पहले ये बहुत अच्छे से समझना है पहले कि माजी किसे कहा जाता है, हाल, मुस्तकबिल। फिर ये आप करेंगे असलम आ गया डैश, डैश में आप लिखेंगे है, फिर ये कौन सा जुमला हो गया, हाल। नंबर दो, असलम चार रोज पहले आया डैश, डैश में लिखा है था, ये है माजी। असलम आए डैश, डैश में आया है का, ये कौन सा जुमला है, मुस्तकबिल। सब लड़के वक्त से पहले आ गए डैश, डैश में है थे, ये जुमला है माजी। सब लड़के आ जाएं डैश, डैश में है गे, ये जुमला है मुस्तकबिल। नौरीन आ गई डैश, डैश में है, ये कौन सा जुमला है, हाल। नौरीन चार रोज पहले आई डैश, डैश में है थी, ये जुमला है माजी। नौरीन आ जाए डैश, डैश में है की, ये जुमला है मुस्तकबिल। लड़कियां चार रोज पहले आई डैश, डैश में है थी, ये जुमला है माजी। लड़कियां भी आ जाएं डैश, डैश में है की, ये जुमला है मुस्तकबिल। ये काम आपको अपनी उर्दू होमवर्क कॉपी में करना है। आज आपका ये तीसरा लेक्चर मुकम्मल हो गया है। जो काम इस लेक्चर में दिया गया है वो लाजमी कॉपीज में करना है। शुक्रिया।